नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल माय मिचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं पिज्ज़ा, तो चलिए शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमें 2 कटोरी मैदा, 1 कटोरी सूजी, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, थोड़ा सा बेकिंग सोडा, थोड़ा शक्कर, थोड़ा नमक, 1 कप दही, थोड़ा सा तेल डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मिक्स कर सॉफ्ट डो तैयार कर लें और थोड़ा सा तेल लगाकर और मसाले और ढक कर कुछ देर के लिए छोड़ दें। पिज्ज़ा सॉस बनाने के लिए टमाटर, लाल मिर्च, लहसुन, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा शक्कर और 1 गिलास पानी डालकर उबाल लेते हैं। अब इसे एक जार में रखकर पीस लेंगे। अब हमारा प्यूरी तैयार है। अब कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल लें और इसमें प्यूरी को डालें और इसे पकाते हुए गाढ़ा करना। इसमें थोड़ा सा नमक थोड़ा शक्कर थोड़ा सॉस लाल मिर्च पाउडर काली मिर्च पाउडर ऑरेगानो विनेगर डालकर इसे पका लें। अब हमारा सॉस तैयार है। अब कुछ सब्जियां लेकर इसे भी कढ़ाई में पका लें। इसमें कुछ पनीर के टुकड़े भी डाल देते हैं। थोड़ा नमक काली मिर्च पाउडर डालकर मिक्स कर लें। और इसे एक प्लेट में निकाल कर रख लें। अब बेक करने के लिए कढ़ाई लें, उसमें नमक डालकर स्टैंड रख कर थाली गर्म होने के लिए छोड़ दें। और इसे बेल लें।
अब इसे अपनी उंगलियों से चारों ओर दबा लें। फिर फोग की सहायता से इसमें छोटे छोटे छेद कर लें ताकि ये फूले ना। अब तवा में हल्का तेल लगाकर इस पर बेस को रख लें। हल्का सेक जाने पे फिर पलट दें और दूसरी ओर भी हल्की सिकाई कर लें। अब एक थाली में तेल लगा लें जिसमें हमें बेस को रखना है। अब बेस के ऊपर सॉस डालते हैं, पिज्ज़ा सॉस जो हमने बनाया था उसे डालकर फैला लें अच्छी तरह से। और इसके ऊपर मोजरेला चीज़ फैला लेते हैं। थोड़ी मोटी और थोड़ी बारीक। और सब भी हम लोग फैला लेते हैं इस पे। इस पे कॉर्न भी डाल दें। थोड़ी और चीज डालकर फैला लें। इस पे चिली फ्लेक्स थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर ऑरेगानो डालकर रख लें और इसे कढ़ाई में ढक कर ढक दें और 30 मिनट के बाद इसे देखते हैं। अब हमारा पिज्ज़ा तैयार है। देखिए ये अच्छी तरह से बेक हो गया है। अब यह सर्व करने के लिए तैयार है। ऐसे ही रेसिपी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।